आई हूँ, अभी मेरा एसोसिएशन होगा उनके साथ. पहली बार आई हैव कम हियर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. आई बिलीव उन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ कलेक्शन लॉन्च किया है, सो आई एम एक्साइटेड टू सी दैट. ओके, आज के कलेक्शन का नाम है द विंटर गेम्स. जी, विंटर में जो स्पोर्ट्स होते हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं आज. राइट, स्पोर्ट्स की बात करें तो आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन से जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा लगता है? मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, मुझे किकबॉक्सिंग बहुत पसंद है, जिमनास्टिक्स बहुत पसंद है. आई थिंक दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आई लाइक. या ओके, स्पोर्ट्स की बात करें तो वुड यू लाइक टू डू एनी बायोपिक ऑन स्पोर्ट्स? आई वुड लव टू. या कोई बनाओ यार, सुन रहा है कोई? कोई अच्छी सी स्पोर्ट्स, इतनी अच्छी बॉडी मैंने बनाई है, इतनी फिट हूँ मैं, है ना? तुम लोग देखते हो ना, रोज़ वर्कआउट करती हूँ मैं, तो प्लीज़ समबडी मेक अ स्पोर्ट्स बायोपिक ऑन एंड टेक मी इन इट. कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर आपकी ऐसी इच्छा है कि अगर इनके ऊपर मुझे कोई पर्टिकुलर? मेरे फेवरेट मैराडोना थे, पर वो मर्द हैं तो अब उनकी बायोपिक तो मैं कर नहीं सकती. यार अभी हमारे हिंदुस्तान में कितनी औरतें हैं, कितना कुछ बड़ा बड़ा कर रहे हैं दुनिया में, इतने सारे मेडल्स हमने जीते हैं, एंड आई फील सॉरी फॉर राइट नाउ बिकॉज आई पर्सनली डोंट नो देयर स्ट्रगल्स, बट आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अचीव व्हाट दे हैव अचीव्ड एंड फ्रॉम वेयर दे कम. अभी मैं थोड़े दिन पहले एक छोटा सा वीडियो देख रही थी एंड दे वर शोइंग हाउ हार्ड इट इज़. छोटे छोटे गाँव से वो आती हैं और उनके पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, बट फिर भी आप सोचिए उसके बावजूद भी इतने सारे मेडल्स कितनी महिलाओं ने हमारे भारत के लिए जीते हैं. तो आई एम सो प्राउड ऑफ देम. आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम टुडे एंड आई थिंक उनमें से किसी की भी लाइफ पे अगर फिल्म बनाई जाए और किसी को लगे कि मैं उसे पूरा कर पाऊँगी तो इट वुड बी माई मेरी खुशनसीबी होगी. ओके, अब दिल की सुर को तो बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट किया, उसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है, बट उसके पहले बाईपास रोड बहुत चला जी, आने जी, है जी. जो नमन की डेब्यू डायरेक्शन है, सो क्या कहना चाहेंगे? और हमने पर्सनली बात की है तो उन्होंने कहा कि हमने सबको एक स्पेशल कैरेक्टर दिया. यस, सो उनके बारे में क्या? अपने कैरेक्टर के बारे में अभी तक मुझे नमन ने बोलने की परमिशन नहीं दी है, सो बट हमारा यू नो ट्रेलर लॉन्च है बहुत ही जल्द और सारा कैंपेन शुरू होने वाला है, तो आप सबको सब पता चलेगा, बट आई विल बी अ सरप्राइज पैकेज इन दैट. दैट्स ऑल आई कैन से. आप एक्शन सीक्वेंस भी करते हुए नजर आएंगे, सो आई थिंक यू लाइक टू से. आई डोंट से एनीथिंग. सो कितना इंटरेस्ट रखती हैं आप एक्शन सीन में? आई लव एक्शन. कोई एक्शन पे अगर कोई बायोपिक बनाए तो प्लीज आई विल वर्क फॉर फ्री. एंड यू नो इसके अलावा जो आपने भी सुना होगा मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, मैं शिकायत है मुझे कि बहुत देर से मिला, बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर डाइवर्स कैरेक्टर्स हमारी कंट्री में आज किसी ने भी किए हैं, इतना बड़ा नाम पूरी दुनिया में सबसे पहले मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ फॉरगिव मी, जिन्होंने कमाया पूरी दुनिया में, उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड अब क्यों मिला? बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था. एंड आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट अमित जी, बिकॉज सर ही इज़ जस्ट फैंटास्टिक. ही इज़ अ फिनोमेना and we all need to just cherish him and I think the whole country anyways cherishes him and appreciate him. Wow, I mean can you beat that? Unhone to sare awards matlab sab jeet liye hain, abhi thodi hamari bari hai. So this evening is about the winter collection launch, so what is your goal for the winter? So I love to wear these track suits that are warm, comfy, and I can just, because I'm a very sporty person, whenever I'm traveling or even otherwise, I'll just, if I feel like stopping on the road and just walking, I actually do that. So I prefer to be in a very comfortable environment that I can just start walking. And nowadays you get these amazing tracks with the little wool inside. We don't need that in Bombay, but you know, otherwise, I love to wear that. I love to wear a hoodie. I think it's such a thug look. So, your fans are over here. So, what you would like to suggest for the winter wear? For the winter wear? Well, first of all, take, if you're living in Bombay, you don't have to worry about it. But if you are not, I mean, you can just wear it as a fashion, I guess. So, I love winter fashion. I love jackets. I love to wear scarves and caps and hats and everything. Like, winter is so my thing, you know. Boots, but yeah, I think today is about sportswear, so I would suggest that they wear a nice leggings and a nice hoodie to keep them warm.
at least that'll work in Bombay, I guess. Yeah. Thank you. Thank you so much.